अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन की खीर। तो उसके लिए हम ये चीज़ें ले लेंगे, दूध, गुलाब जामुन, खोया, बादाम, शक्कर, पिस्ता, कंडेंस मिल्क, काजू और ये इलायची है। अब हम इसके छिलके निकाल कर इसको क्रश करके रख लेंगे। चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। अब हम एक पैन में दूध डाल देंगे, अब हम दूध को हाफ रेडियस होने तक पकने के लिए रख लेंगे। ये दूध भी बॉईल हो रहा, अब हम इसको ऐसे ही हिलाते जाएंगे बीच बीच में, और जो साइड्स में जो मलाई जमते जाएगी वो हम ऐसे ही निकालते जाएंगे उसको। दूध पे की मलाई अब हम हटाते जाएंगे ऐसे ही, और अब इलायची डाल देंगे साबित, 4 से 5 इलायची डालेंगे हम इसमें। ये दूध पक के अच्छे से गाढ़ा हो गया, अब हम इसमें मलाई भी कितनी अच्छी जम गई इसमें। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, बादाम डालेंगे, काजू, पिस्ता, अब हम इसमें एक खोया ऐड कर लेंगे। अब हम इसको एक 2-3 मिनट्स तक पकने के लिए रखेंगे। इसमें खोया भी अच्छे से घुल गया, अब हम इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। और मिल्क को हम हाफ होने तक पूरा, ये 1 लीटर मिल्क था उसमें, हमने इसको हाफ कर दिया पका के। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड करेंगे। और 2 मिनट हम इसको पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसमें जो शुगर डाली हमने अब वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब ये 2 मिनट हो गए इसको पकने में पूरे, अब ये खीर अच्छे से बन गई। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। अब इसके बाद में हमको क्या करना है मैं वो बताऊंगी आपको। हम इसमें गुलाब जामुन डालेंगे, खोया भी डालेंगे हम इसके ऊपर से, स्लाइस किए हुए ड्राई फ्रूट्स, अब ये खीर तैयार है।